अच्छा जी, वेयर इट ऑल स्टार्टेड, ये सारी गैरेज कंपनियां एप्पल, गूगल, अमेजोन, हार्ले, डिज्नी, मेटल, अगर लोगों को पता ना हो ये बारबी की कंपनी है, ये 70 कुछ ईयर्स की, अभी रिसेंटली खबर आई थी कि जी बारबी इतने साल की हो गई है। ये सारे बिजनेसेस जो हैं ये प्रॉब्लम्स में रहे इनिशियली, ये सारे बिजनेसेस जो हैं इसके अंदर एचपी नहीं है, एचपी वॉज ऑल्सो अ गैरेज कंपनी, ये हचकोले खाते रहे। और फिर आप देख लें, मैं क्या बताऊँ, इनको दुनिया बताती है ये क्या है, इनको कोई मेरा ख्याल है किसी तारुफ के ही मोहताज नहीं। ये सब सिर्फ बड़े ज़बरदस्त आदमी है रिचर्ड ब्रांसन साहब हैं, वही कहते हैं कि द बेस्ट बिजनेस कम फ्रॉम द पीपल, बैड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इफ यू जस्ट कीप योर आईज ओपन, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड समथिंग दैट इज दैट फ्रस्ट्रेट्स यू, एंड वेन यू थिंक वेल आई कुड मे बी डू इट बेटर देन इट्स बींग डन, देयर यू हैव अ बिजनेस। इसको मैं ज़रा ट्रांसलेट कर लूँ। आप किसी जगह गए, आपने देखा यार यहाँ कबाबों की मार्केट बड़ी अच्छी है, आपने कबाब मंगाए थर्ड क्लास निकले, आपने कहा यार यहाँ पे अगर कोई सही कबाब बेचने वाला हो, सही रेस्टोरेंट हो, यार ये तो बड़ा अच्छा स्पॉट है, क्यों ना इधर छोटा सा बिजनेस खोला जाए। वो ये कहता है कि आपको जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, अगर कहीं पे वैक्यूम नज़र आता है तो वहाँ ऑटोमेटिकली कासिम अली शाह की जगह बन जाती है, सही बंदे की जगह बन जाती है, प्रोफेशनल की जगह बन जाती है। सो आप अगर उसमें आएंगे और आप अगर सही आप समझते हैं कि आप सर्विस और वैल्यू फॉर मनी देंगे तो आपका बिजनेस रॉक करेगा। उसने आपके लिए पहले ही इन्वायरमेंट तैयार कर दी है, वो आपकी एडवर्टीजमेंट बन जाएगा। आपके रेस्टोरेंट में कोई बंदा आएगा, आपके सर एक बार मुझसे भी ट्राई करके आए। अपने अंदर वैल्यू डालनी है और वैक्यूम्स ढूंढनी है हमने। इंस्टेड ऑफ लर्निंग फॉर अदर पीपल सक्सेस, लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। ये बड़ी खूबसूरत बात है, वही बात है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था।